नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री यासिर शाह के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। साथ ही कई टेलीग्राम अकाउंट वालों के खिलाफ भी पेपर लीक की अफवाह फैलाने और धन उगाही के मामले में केस दर्ज हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज 23 अगस्त को 10 बजे से पहले दिन की पहले चरण की परीक्षा हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए पहुंचे। इस दौरान परीक्षा केंद्र से लेकर जगह जगह पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी क्रम में पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री और सपा नेता यासिर शाह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आप भी देखिए वायरल वीडियो, कमेंट से बताएं अपने विचार।